आज आपके साथ बात करेंगे टोबैको के बारे में। टोबैको एक एडिक्शन होता है। अब टोबैको स्मोक किया जाता है या चबाया जाता है, और इंडिया में ज़्यादातर लोग ये चबाते हैं, जैसे गुटखा लिया, पान मसाला लिया, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। और फिर स्मोक टोबैको होता है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का एट्सेट्रा। सो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होता है, बहुत लोग स्मोक करते हैं या टोबैको चबाते हैं। और हम डॉक्टर्स डेफिनेटली जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर को। सो इतने सारे जब प्रॉब्लम्स करता है ये स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं ये हम इसको रोके, इसको ख़त्म करें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये एक एडिक्शन है। जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, टोबैको से भी एडिक्शन होता है। टोबैको का बहुत हिस्सा होता है, उसमें से एक होता है निकोटीन, और ये जो हमारा एडिक्शन होता है वो होता है टू निकोटीन। निकोटीन एक सब्सटेंस होता है, इससे एडिक्शन बना रहता है। इसलिए तंबाकू छोड़ना, स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसको फिर हम इसको हम आपको एज अ क्लिनिशियन आपको कैसे मदद कर सकते हैं इसको छोड़ने के लिए? तरीके बहुत हैं, बट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर से ये होना चाहिए कि नहीं, मैं तो इसको छोड़ूंगा और मैं अपने सेहत की देखभाल करूंगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेडिकली हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं? पहले तो आपने डिसीशन बनाया कि हाँ ये मुझे छोड़ना है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो कोलीग्स होते हैं काम पे, सब आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर हमारा रोल आता है। अब इसको छोड़ने के लिए दो चीज़ होती है, एक होती है मेडिसिंस। अब मेडिसिंस क्या होता है? एक निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे आप निकोटीन होता है एडिक्टिव, तो जब आप स्मोकिंग छोड़ेंगे ये निकोटीन आपको किसी और तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल निकोटीन गम्स होते हैं, निकोटीन पैचेस होते हैं जो शरीर में एक लगा सकते हैं और उससे थोड़ा निकोटीन का सप्लाई मिलता है। निकोटीन का तो वो हो जाएगा, पर सिगरेट में या तंबाकू में जो और चीज़ें हैं जो कैंसर कॉजिंग होता है, जो हार्ट अटैक पैदा करता है, ये वाले चीज़ें फिर निकोटीन पैचेस में या निकोटीन गम में नहीं होगा। सो यू आर सेविंग योर बॉडी फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम हार्ट डिजीज, स्ट्रोक डिजीज, लंग डिजीज, COPD एट्सेट्रा। सो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट निकोटीन हम रिप्लेस कर देंगे, बट अदर टॉक्सिक कॉम्पोनेंट्स जो सिगरेट या टोबैको में होता है वो आपके अंदर नहीं जाएगा। सेकेंड इज मेडिसिन, एक है ब्यूप्रोपियॉन, दिस हैज बीन यूज, एक है वेरनिक्लाइन। ये मेडिसिन हैव बीन यूज बहुत टाइम से एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, आपको मदद करने के लिए डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, जो आपको मेडिसिन देंगे, निकोटीन पैचेस देंगे। ऑल्सो देर आर एक्टिविटीज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें ग्रुप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो आपके साथ तीन चार और लोग होंगे जो भी छोड़ना चाहते हैं, उनको इकट्ठा बैठा के देन देर आर स्ट्रैटेजीज जिससे आपको छुड़वाया जा सकता है। देर इज ऑल्सो काउंसलिंग, देर इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकाइट्रिस्ट हेल्प, ये भी एसेंशियल होता है एडिक्शन को हराने के लिए, उसको एडिक्शन को तोड़ने के लिए, तो ये भी ज़रूरी होता है। जब आप छोड़ेंगे, विद्रॉयल सिम्टम्स कहते हैं इसको, क्रेविंग होता है। आप छोड़ने के बाद आपको बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप उसको वापस स्टार्ट करना चाहेंगे, बट यू हैव टू फाइट दिस विद द हेल्प फ्रॉम द हेल्थ केयर टीम। एक बार आपने 6 महीना, 1 साल किसी तरह आपने इसको फाइट किया और आपने सिगरेट सक्सेसफुली छोड़ दी, फिर द चांसेस आर दैट यू विल बी सक्सेसफुल फॉर लाइफ। एक बार छोड़ने का मतलब नहीं है कि वापस दोबारा नहीं स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग एक बार सक्सेसफुली छोड़ के वापस फिर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर एक बार दोबारा स्टार्ट करने के बाद फिर से आपको कोशिश करना है छोड़ने के लिए। सो डजंट मैटर, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए इसको छोड़ने के लिए, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे। बट थिंक ऑफ इट एज अ ह्यूज हेल्थ बेनिफिट, आपका शरीर, आपका हेल्थ को बहुत फ़ायदा होगा जिस दिन आप ये सिगरेट, टोबैको, तंबाकू, पान मसाला को छोड़ेंगे। सो विद दिस मैसेज आई इम्प्लोर यू एज अ क्लिनिशियन, आई टेल यू स्ट्रांगली दैट तंबाकू छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सेहत के लिए। थैंक यू।